हाँ जी सर, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आत्मनिर्भरता, पीएम मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत इन दिस कोविड-19 सिनेरियो। अथार्ट दैट वी शुड बाय प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन इंडिया, विच आर मेड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी शुड बी प्राउड टू से दैट येस आई हैव बॉट अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ लैंड बनना है इन दिस कोविड-19 सिनेरियो, इम्पॉर्टेंट है कि भारतीयों की जो मानसिकता है, आपकी जो मानसिकता है, उसमें परिवर्तन आए। यू शुड बाय प्रोडक्ट ऑफ दोज कंपनीज जिनको अपना पैसा हिंदुस्तान के बाहर नहीं भेजना है, जिनको अपनी लॉयल्टी हिंदुस्तान के बाहर नहीं बेचनी है, जिनको अपना रेवेन्यू शेयर हिंदुस्तान के बाहर नहीं करना है। यू शुड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दोज कंपनी जिनको अपना पैसा हिंदुस्तान के अंदर रखना है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है साहब, तो भारतीयों की जो मानसिकता है वो परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट टू बी अ सेल्फ लैंड इंडिया, और उसी के लिए आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इट्स ऑल अबाउट टेलिंग यू मोबिलिटी सॉल्यूशन के बारे में। वो कौन सी पैसेंजर कार्स हैं जो मेक इन इंडिया टैग के साथ आती हैं? लेकिन साहब, मेक इन इंडिया टैग के साथ तो आती हैं, साथ में सेफ्टी के हिसाब से, स्टाइलिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, सस्पेंशन के हिसाब से, आपको बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करती है। और वो इक्का दुक्का कार नहीं है, इट्स अ रेंज ऑफ कार्स फ्रॉम द हैचबैक सेगमेंट, सेडान सेगमेंट, एसयूवी सेगमेंट, एमपीवी सेगमेंट एंड लग्जरी सेगमेंट टू। एंड ट्रस्ट मी, यू गोइंग टू लव इन दोज कार्स जो आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। और स्टार्ट करते हैं इसलिए आज का सेशन विद द हैचबैक सेगमेंट। और जो नंबर वन कार मिले उसमें है सर्टनली टाटा मोटर्स की एल्ट्रॉस की बात कर रहे हैं। ये कार को भारतीय मानकों में सबसे सेफेस्ट हैचबैक कार है, वो बात तो सत्य है, लेकिन ग्लोबल एनकैप ने भी इस कार पर मोहर लगाई है, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है। बेहतरीन इस कार की आपको सस्पेंशन डायनामिक्स मिलते हैं, टॉप नॉच आपको हैंडलिंग मिलती है। एंड लुक एट द एक्सटीरियर स्टाइलिंग, एल्ट्रॉस के जो एक्सटीरियर स्टाइलिंग है साहब, आपको ये किसी यूरोपियन कार के, अगर आपके दिल में इच्छा होना कि मुझे स्टाइलिश कार चाहिए, तो जो न्यू एज टाटा मोटर्स है वो बहुत ही परिवर्तित टाटा मोटर्स है। आपको ये कार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी, स्टाइलिंग, फीचर्स सब ऑफर करती हुई दिखाई देगी। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,29,000 रुपीज़ फॉर द बेस मॉडल, और जो टॉप मॉडल है एग्जेड, उसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है। पोस्ट बटन इग्निशन आपको मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, रियर व्यू कैमरा मिलता है, टच स्क्रीन मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ अलॉय व्हील्स मिलते हैं, TRLs मिलते हैं, प्रोजेक्टर्स मिलता है। ट्रस्ट मी, एल्ट्रॉस अगर आप देखेंगे ना अक्रॉस द रेंज, यू गोइंग टू लव इन दिस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। जो नंबर टू कार है सेडान सेगमेंट में, वो एल्ट्रॉस की सिबलिंग है, और यस बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की टिगोर के बारे में। हालांकि ये कार को 4-स्टार मिले हैं ग्लोबल एनकैप में, बट स्टिल टाटा टिगोर रिमेन्स द सेफेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान ऑफ इंडियन पैसेंजर का मार्केट। नो अदर कॉम्पैक्ट सेडान कार गॉट 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, वो आप जान लीजिए। ये कार के जो डायनेमिक्स है, ये कार के जो सस्पेंशन है, वो आपको बड़ा बढ़िया मिलेगा। और अच्छी बात ये है, इंजन में आपको बैलेंसर शाफ्ट भी मिलता है, तो उसी कारण जो ये 3-सिलेंडर इंजन है, इसके नॉइस एंड वाइब्रेशन लेवल काफ़ी कंट्रोल्ड है। बढ़िया प्रोपोजिशन में ऑफर होती है, ऑलमोस्ट 40,000 से 45,000 रुपीज़ के बेनिफिट अक्रॉस द टाइम आपको उस कार के अंदर उपलब्ध रहते हैं। कार की स्टाइलिंग आप देख सकते हैं, फीचर लिस्ट को आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है, एंड टाटा मोटर्स की जो DNA है हैंडलिंग के हिसाब से, यू गोइंग टू लव इन। तो सेडान का देख रहे हैं तो साहब, टाटा मोटर्स की टिगोर आप देख सकते हैं, मेक इन इंडिया टैग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। नंबर 3 मूव करते हैं टुवर्ड्स SUV सेगमेंट, और महिंद्रा की XUV 300, हालांकि टाटा मोटर्स नेक्सॉन बोल सकता था, लेकिन साहब अगर पैसा थोड़ा और खर्च कर सकते हैं तो महिंद्रा की XUV 300, व्हाट अ कार। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV वी हैव इन पैसेंजर का मार्केट अक्रॉस एनी अदर कॉम्पैक्ट SUV। राइड, हैंडलिंग, सस्पेंशन, आपको जो सेफ्टी फीचर्स है, 7 एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS EBD, दिस इज द हाईएस्ट सेफ्टी फीचर्स वी हैव इन एनी अदर कॉम्पैक्ट SUV ऑफ इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। कार चलाने में बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन, जो हैंडलिंग है, और मल्टी मोड स्टेयरिंग, यू गोइंग टू लव इन दिस चीता ऑफ महिंद्रा। इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म आता था सैंगयोंग तिवोली का, उसको महिंद्रा ने मॉडिफाई किया है और भारतीयों के लिए सबसे सेफेस्ट, सबसे स्टाइलिश कार लेके आए हैं। ग्लोबल एनकैप ने भी इस कार को सेफर कार फॉर इंडिया का अवार्ड दिया है। दिस इज द हाईएस्ट सेफ्टी रेटेड कार वी हैव इन इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। आप XUV 300 पेट्रोल ले लीजिए, XUV 300 डीजल ले लीजिए, XUV 300 डीजल AMT ले लीजिए, इन एवरी स्ट्रीम यू गोइंग टू लव इन महिंद्रा XUV 300 फॉर दिस।
नंबर फोर, कॉम्पैक्ट एसयूवी से मूव करते हैं साफ टूवर्ड्स एमपीवी सेगमेंट, 7 सीटर एमपीवी कार चाह रहे हैं तो उस केस में अगेन महिंद्रा मरासो लीड्स। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है और कार के अंदर एक एमपीवी में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड रो में आप जो बैठते हैं ना, इस कार का जो व्हील बेस है इट्स द लॉन्गेस्ट व्हील बेस देन एनी अदर एमपीवी कार। इनफैक्ट दिस कार का जो व्हील बेस है, अगर आप टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा की बात करते हैं, उससे भी आपको लॉन्गर मिलता है। तीनों रोज में आपको स्पेशियस सीटिंग मिलती है। 1.5 लीटर डीजल इंजन जो महिंद्रा का आता है, सरप्राइजिंगली इट्स वेरी स्मूथ। फीचर्स बढ़िया है, केबिन के इंटीरियर एस्थेटिक्स आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेंगे, एक्सटीरियर स्टाइलिंग आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी और आपको महिंद्रा की मरासो शार्क इंस्पायर्ड डिज़ाइन, दिस इज़ गोइंग टू स्टील इन योर हार्ट फॉर दिस, आई एम टेलिंग यू। लेकिन ऑफ रोड एसयूवी सेगमेंट के अंदर उस केस में महिंद्रा की स्कॉर्पियो, देसी लॉन्डो की गाड़ी, अगर आप ऑफ रोड कार चाहते हैं, अगर आप एक रूरल सेगमेंट ले कार चाहते हैं तो आप स्कॉर्पियो, ये गाड़ी आपके दिलों पे राज करेगी। झूला है लेकिन साहब झूले का मजा भी है, इट्स अ रियर व्हील ड्राइव। और अगर आपको चाहिए एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के हिसाब से तो उस केस में फोर्स मोटर्स की गुरखा, ओ माय गॉड, लुक एट दिस मॉडल विच वाज डिस्प्लेड इन ऑटो एक्सपो 2020। आपको नदी पार करनी है, आपको बिल्कुल मिट्टी में जाना है, सड़क है नहीं, वहां पे भारत की ही होमग्रोन फोर्स मोटर की गुरखा आपको हर तरह की सड़कों पे, खराब सड़कों पे एक अलग एक्सपीरियंस देगी। फिर मूव करते हैं फुल फ्लेज एसयूवी के अंदर और उस केस में टाटा मोटर्स की हैरियर। 5 सीटर एसयूवी में अगर फुल फ्लेज एसयूवी चाहिए तो ये गाड़ी आपको लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर पर उपलब्ध है। लैंड रोवर के आर्किटेक्चर को मॉडिफाई किया है, टाटा मोटर्स की इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन फिलॉसफी ओमेगा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आपको उपलब्ध है। टाटा मोटर्स ने हैरियर को 2020 में अपडेट किया है जिसमें कार की पावर आउटपुट 170 PS हो गई है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं अगेंस्ट जीप कंपस, उसमें भी 170 PS 173 PS है, पावर ऑलमोस्ट सेम है, MG हेक्टर उसी के बराबर इस कार की पावर आउटपुट हो गई है। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ, लोगों को चाहिए छत जो खुल जाए, एस्पिरेशन भारतीयों की बढ़ गई है तो हैरियर आप देख सकते हैं। हैरियर के जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, व्हाट अ कार, व्हाट अ स्टाइलिंग, व्हाट अ ब्यूटी, बिल्कुल आपको बहुत ही आपको लगेगा दिल से ही यस दिस इज़ अ कार, फुल फ्लेज आपको एसयूवी है, स्पेस बहुत बढ़िया है। और अगर आपको चाहिए 7 सीटर एसयूवी साहब तो उस केस में महिंद्रा की आप देख सकते हैं एक्सयूवी 500। हालांकि एल्टुरस भी आती है, वो और ऊपर वाले सेगमेंट में है, आप डिपेंडिंग ऑन योर बजट, लेकिन एसेंशियली एल्टुरस एक्सयूवी 500 के बारे में एक बार जरूर कहूँगा, दिस इज अ कार विच इज मेड फॉर 5+2 सीटर वर्जन। थर्ड रो की जो स्पेस है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, लेकिन साहब महिंद्रा के जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, महिंद्रा की जो पावर डिलीवरी है, महिंद्रा के अंदर जो फीचर्स लिस्ट है कॉम्प्रीहेंसिव है। इस कार में भी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और महिंद्रा की एक्सयूवी 500 का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है बहुत ही बेहतरीन है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी अच्छा है। 9 साल हो गए हैं, ये कार वही कार है साहब जो 2011 में लॉन्च हुई थी। इस कार पे आई एम टेलिंग यू महिंद्रा स्टॉप बुकिंग 2 टाइम्स, द कार वॉज सो पॉपुलर। 9 साल में महिंद्रा ने इस कार के अंदर काफ़ी एनहेंसमेंट्स किए हैं, ऑलमोस्ट एवरी निगर इज़ बिन सॉर्टेड आउट, तो एक्सयूवी 500 आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल उस केस में टाटा मोटर्स इज बैक इन गेम अगेन विद द नेक्सॉन ईवी। सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन साथ आपको उपलब्ध है, नेक्सॉन ईवी आपको आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल वी हैव नाउ इंडियन पैसेंजर का मार्केट, अहेड ऑफ MG ZS EV, अहेड ऑफ Hyundai Kona। आप टाटा की नेक्सॉन ईवी दे सकते हैं, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 15-16 लाख के बीच में आपको उसके टॉप मॉडल्स आते हैं, फीचर्स बढ़िया हैं, सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है, 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी रेटिंग, यू गोइंग टू लव इन होम ग्रोन टाटा मोटर्स। और लग्जरी कार चाहते हैं तो साहब सर्टेनली टाटा मोटर्स ओन GLR ग्रुप की गाड़ियां आप देख सकते हैं, डिस्कवरी स्पोर्ट, रेंज रोवर इवोक, आई गोइंग यू गोइंग टू लव इन द रेंज विच इज़ गोइंग टू एक्सटेंड टू ऑल अदर कार्स इन द सेगमेंट। जैगुआर की FPS आती है तो आपकी नज़र होनी चाहिए, यू गोइंग टू लव इन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स फॉर दिस। तो साहब इस वीडियो का पर्पज ये है कि मेक इन इंडिया कार का मतलब ये नहीं है कि आपको बस मेक इन इंडिया कार मिलती है, यू बी नेगेटिंग द कार विच इज़ सेफ, विच इज़ स्टाइलिश, विच फुल ऑफ फीचर्स, विच इज़ गॉट अ स्पेस एंड पॉसिबली अ बहुत ही बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन। भारतीयों के लिए गाड़ियाँ आपको अट्रैक्टिव आपके दिल के करीब मिलेंगी। तो साहब अपने दिल से पूछिए
क्या आप एक भारत को, आने वाले भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में चाहते हैं? अगर यस, तो उस केस में ये कार्स आपके बिल्कुल दिल के करीब हो सकती है। इफ इन केस यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, तो वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, फैला दीजिए सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एनी अदर मीडियम्स यू हैव, ट्विटर पे शेयर करिए। बिकॉज सब मेक इन इंडिया का मतलब है आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई लव माई कंट्री। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।